नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों को झटका दिया है। इसने उनको सरेंडर के लिए समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्हें सेट ओरिजिनल डेडलाइन के अनुसार 21 जनवरी तक जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की उन याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। अखिलेश यादव ने अपनी और जयंत चौधरी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं। हालांकि दोनों दलों ने अभी तक सीटों के बंटवारे की कोई जानकारी नहीं दी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः प्रभावी ये दोनों दल इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश में इन दोनों के साथ कांग्रेस भी मिलकर चुनाव लड़ेगी। वैसे 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसके लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति को अपना जवाब भेजा है। पार्टी के संचार मामलों के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बाबत 4 पन्नों के भेजे गए जवाब को पोस्ट किया है। इसमें कुल 17 बिंदुओं में वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का कड़ा विरोध किया गया है और मांग की गई है कि इसके लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति भंग कर देनी चाहिए। इस पत्र में ये भी कहा गया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के व्यक्तित्व का दुरुपयोग कर संविधान और देश के संसदीय लोकतंत्र को पलटने की कोशिश हो रही है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये जवाब वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के सचिव डॉक्टर नितेन चंद्रा को भेजा गया है। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचते ही विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाया, वहीं असम पुलिस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। असम पुलिस ने यात्रा मार्ग से भटकने और दूसरे मार्ग पर चलने का आरोप लगाया है। यात्रा रूट के कथित उल्लंघन करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसके आयोजक KB बायजू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पर कांग्रेस ने असम सरकार पर यात्रा में व्यवधान डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि जब यात्रा गुरुवार दोपहर जोरहाट शहर से गुजरी तो रैली आयोजक कथित तौर पर निर्धारित मार्ग से भटक गए और उन्होंने एक गैर निर्धारित मार्ग ले लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने आगे कहा कि मार्ग में अचानक बदलाव के कारण व्यवधान हुआ। KB बायजू और अन्य सहित आयोजकों ने कथित तौर पर भीड़ को यातायात बैरिकेड तोड़ने के लिए उकसाया और ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों पर हमला किया। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर FIR के बाद विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने PTI से कहा कि FIR यात्रा से पहले अनावश्यक बाधाएं पैदा करने की एक चाल है। उन्होंने कहा कि PWD पॉइंट पर ट्रैफिक डायवर्जन के लिए कोई पुलिस नहीं थी, निर्धारित मार्ग बहुत छोटा था और हमारी एक बड़ी सभा थी, इसलिए हमने केवल कुछ मीटर के लिए चक्कर लगाया। हेमंत बिस्वा सरमा यात्रा की सफलता से डरे हुए हैं और पहले दिन और अब इसे पटरी से उतारना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी असम की BJP सरकार पर यात्रा में व्यवधान डालने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने पत्रकारों से कहा कि असम की BJP सरकार ये कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल ना हो, जिसके लिए कई बाधाएं हमारे सामने खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि असम के युवा, महिलाएं और सभी वर्ग के लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश सुनेंगे और साथ देंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रामलला की नई मूर्ति को लेकर एक बयान दिया है जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने पर विध्वंस हुआ वो कहाँ है? जो नई मूर्ति नजर आ रही है वो बाल स्वरूप में नहीं है, दूसरी मूर्ति की जरूरत क्या थी? उन्होंने कहा कि हमारे गुरु व जोशीमठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने ये भी सुझाव दिया था कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप होकर माँ कौशल्या की गोद में होना चाहिए, लेकिन वो जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो तो बाल स्वरूप की नजर नहीं आती है। हरियाणा सरकार ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए राज्य के सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया था कि केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों में हाफ डे रखा जाएगा और फिर ओडिशा सरकार ने भी ऐसा ही ऐलान किया था। TMC नेता महुआ मोहत्रा ने शुक्रवार को सरकार द्वारा आवंटित दिल्ली का बंगला खाली कर दिया। महुआ मोहत्रा पिछले साल दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिए जाने के बाद सांसद नहीं रही। उनको बंगला खाली करने को कहा गया था। मंगलवार को तो बेदखली का नोटिस दे दिया गया था। महुआ ने बेदखली नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था, लेकिन गुरुवार को उनको दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा था। मणिपुर हिंसा में 5 और लोगों की जान चली गई है।
सशस्त्र हमलावरों के हमले में दो पुलिसकर्मियों के मारे जाने के एक दिन बाद गुरुवार को मणिपुर में गोलीबारी की दो अलग अलग घटनाएं हुई। इसमें मैत्री समुदाय के 5 लोग मारे गए। इसके अलावा मणिपुर में म्यांमार के आतंकवादियों की उपस्थिति की भी खुफिया जानकारी सामने आई है और सतर्क किया गया है कि वे सुरक्षा बलों पर हमला कर सकते हैं। हालांकि अभी तक विदेशी आतंकवादियों की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने बचपन को याद करते प्रधानमंत्री मोदी मंच पर ही भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने इन आवासों को लेकर कहा कि मैं आज देखकर आया और मैंने सोचा काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। बता दें पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए इन सोसाइटियों को बनाया गया है। सोलापुर में मंच पर बोलते हुए भावुक होने के बाद वो करीब 12 सेकंड के लिए खामोश रहे। ताजा वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट में देश में शिक्षा की स्थिति को लेकर चौंकाने वाले कई आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 साल की उम्र के लगभग 26% बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षा 2 के स्तर का पाठ्यक्रम भी ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं। इसी आयु वर्ग में कम से कम 42% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट एनजीओ प्रथम फाउंडेशन ने जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 14 से 18 साल के कुल 86.8% बच्चों ने स्कूल या कॉलेज में दाखिला ले रखा है। हालांकि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्कूल कॉलेज में इनका नामांकन भी कम होने लग जाता है। फिलहाल स्कूल या कॉलेज में दाखिला नहीं लेने वाले 14 साल तक के बच्चों का आंकड़ा 3.9% है। 16 साल के बच्चों में यह आंकड़ा 10.9% है और 18 साल के बच्चों में 32.6% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में 14 से 18 साल के 76.6% बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ सकते थे, जबकि 2023 में आंकड़ा कम होकर 73.6% पर आ गया है। हालांकि 2017 में अंकगणित में 39.5% छात्र तीसरी चौथी स्तर के विभाजन के सवालों को हल करते थे, वो अब बढ़कर 43.3% हो गया है। अभी भी आधे से अधिक छात्र 3 और 1 अंक की संख्या के विभाजन को हल नहीं कर पा रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के इलाके में इस हफ्ते हवाई हमले किए और कम से कम 11 लोग मारे गए। इन हमलों से दोनों पड़ोसियों के संबंध में दूरियां और बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने जब ईरान पर हमला किया तो क्या अमेरिका से बातचीत की थी? इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया। पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े एक पत्रकार ने बताया कि ईरान में एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान ने अमेरिका से बातचीत की थी, क्या यह सच है? इस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, मैं नहीं जानता, मेरे पास आपको बताने के लिए कोई निजी बातचीत नहीं है। जिसके बाद फिर सवाल खड़े हो गए। बता दें ईरान का दूसरे मोर्चे पर उलझना अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के लिए खुशी की बात बताई जा रही है। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच ये समझ लेते हैं कि कौन अधिक ताकत पर है। क्या भविष्य में किसी भी ईरानी आक्रमण को विफल करने के लिए पाकिस्तान के पास समान सैन्य ताकत है? विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के पास बेहतर मारक क्षमता और हथियार हैं। पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है, यही उसकी प्रतिरोधक क्षमता और रणनीतिक बढ़त है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि ईरान के प्रॉक्सी उसकी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। ईरान मामलों के जानकार फराज नकवी कहते हैं उसके कई प्रॉक्सी मध्य पूर्व और अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। ऐसे में ये हथियार से हथियार की तुलना नहीं है, ये क्षमता के बारे में है। यदि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न है तो ईरान के पास दुनिया में सबसे अच्छे प्रॉक्सी हैं। पाकिस्तान की ईरान से लगती करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। सलमान जावेद को लगता है कि अब पाकिस्तान को अपनी दक्षिण पश्चिमी सीमा की अधिक मुस्तैदी से सुरक्षा करनी होगी। ईरान ने पाकिस्तान में मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी पलटवार करते हुए ईरान में मिसाइलें दाग दी। हाल के दिनों में लाल सागर में भारतीय जहाज पर हुए हमले के बाद ईरान और पाकिस्तान के एक दूसरे पर हमले ने इस उपमहाद्वीप और खाड़ी की सुरक्षा के आपस में जुड़े होने की बात को सामने ला दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजा मोहन के एक विश्लेषण को अखबार में जगह दी है, जिसमें वो कहते हैं कि लंबे वक्त से भारतीय उपमहाद्वीप और खाड़ी के बीच की भू राजनीति आपस में जुड़ी रही है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के इन हमलों के बाद अब ये दोनों क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक दूसरे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इस लेख के अनुसार चाहें या न चाहें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य पूर्व में आए इस अस्थिरता के भंवर में और गहराई तक फंस सकते हैं। उपमहाद्वीप और खाड़ी की सुरक्षा चिंताएं आपस में किस तरह जुड़ी हैं, इस लेख में इसके 5 कारक गिनवाए गए हैं। सिराजा मोहन के अनुसार इस पूरे मामले में एक कारक खुद बलूचिस्तान का पूरा इलाका है,
जो खाड़ी देशों और दक्षिण एशिया के बीच अहम कड़ी का काम करता है। इस इलाके में चीन की मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय है। वो लिखते हैं कि पारंपरिक तौर पर भारत यहाँ दो पक्षों से जुड़े मामलों में तटस्थ रहने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वक्त के साथ मध्य पूर्व में भारत के आर्थिक और सुरक्षा लिहाज से हिस्सेदारी बढ़ी है। ऐसे में वो हमेशा तटस्थ रहने का रुख नहीं अपना सकेगा। इसका एक उदाहरण इस बात से मिलता है कि हाल के दिनों में जब लाल सागर और अरब सागर में समुद्री मार्ग पर हूती विद्रोहियों के हमले हुए, तो भारत ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत अरब सागर में तैनात कर दिए। पाकिस्तान और ईरान का एक दूसरे के इलाकों में हमला करना इस पूरे इलाके के बदलते हालात की तरफ इशारा करता है। ऐसे में मध्य पूर्व में सुरक्षा को लेकर भारत को भी पहले के अपने रुख को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। देश के शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार अब कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के छात्रों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के अनुसार अब कोचिंग सेंटर छात्रों से अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। देश में बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके नियमन के लिए और उन्हें कानूनी ढांचे में ढालने के लिए सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसे टीचरों को नियुक्त नहीं करेगा जिसकी योग्यता ग्रेजुएशन से कम हो। कोचिंग संस्थान अच्छा रैंक दिलाने जैसे भ्रामक वादे छात्रों के अभिभावकों से नहीं कर सकते। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से पैरोल मिली है। ये 9वीं बार हो रहा है। इस बार राम रहीम को 50 दिनों की पैरोल मिली है। इस तरह पिछले 4 सालों में 9वीं बार राम रहीम को पैरोल दी गई है। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। डेरा प्रमुख को जब जब पैरोल मिल जाती है, तब तब हरियाणा सरकार विपक्ष के निशाने पर आ जाती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।